ला ओटर का ओनियन हेयर ऑयल जो देख सकते हैं आप, ये ओनियन हेयर ऑयल बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा भर्ती बोतल था और मैंने हाफ लगभग इसको यूज़ कर दिया हुआ है, और हाफ यूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि ये ऑयल बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं दे रहा है। इस ऑयल को सिर पर लगाने से और भी क्या हो रहा है कि मॉर्निंग में जब आप हेड वॉश करने जाते हैं तो और भी ज़्यादा बाल गिरने लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रेड ओनियन ब्लैक सीड ऑयल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेड ओनियन ब्लैक सीड ऑयल लिखा हुआ है और हेयर ऑयल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा से दिया है ऑर्गेनिक हेयर ग्रोथ एंड रिड्यूस हेयर लॉस, यहाँ पर बहुत ही साफ तरीके से लिखा है ऑर्गेनिक हेयर ग्रोथ एंड रिड्यूस हेयर लॉस, मगर इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हमने इसको हाफ लगा कर देखा और इससे कोई बेनिफिट नहीं है। जब इसको लगाएंगे आप रात में और जब मॉर्निंग में हेड वॉश करेंगे किसी भी माइल्ड शैम्पू से, तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और उसके बाद में लगाने के बाद में भी आप जब मालिश करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हेयर फॉल आपको हो रहा है। जब इसको लगा के मालिश भी करते हैं तो भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपको हेयर फॉल हो रहा है, जितना आपको सूखे बाल में हेयर फॉल नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग थिकर एंड हील देयर हेयर, यानी कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है और घना बनाता है, और जो भी बालों का प्रॉब्लम होता है उसे दूर करता है। मगर यहाँ पर बस लिखा हुआ है ये काम नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पीएच बैलेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएच बैलेंस लिखा हुआ है और 100 ml का ये बोतल है, मगर इससे कोई भी बेनिफिट नहीं है। हमने इसे यूज़ करके देखा है और इससे हमको कोई बेनिफिट नहीं पहुँचा। यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है, पेज नंबर, एक्सपायरी डेट और कस्टमर का नंबर डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईमेल आईडी भी उसका दिया है, और इसका एमआरपी यहाँ पर दिया हुआ है 499, मगर हमने इसे परचेस किया था 125 रुपये में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। फिर भी ये कोई भी बेनिफिट नहीं है, 499 एमआरपी और 125 रुपये में फ्लिपकार्ट से दिया, इसका मतलब ये डुप्लीकेट हेयर ऑयल है। इस ऑयल से कोई भी बेनिफिट हमें नहीं हुआ। आप खुद सोचिए, जब इसका 499 एमआरपी लिखा हुआ है कंपनी की तरफ से, तो ये 125 में कैसे मिल जाता है। इसका ये ऑयल है डुप्लीकेट और इस ऑयल में कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिवा ऑयल और लिखा हुआ है स्वीट आलमंड ऑयल, कैस्टर्ड ऑयल, जोजोबा ऑयल, मोरक्कन ऑयल, आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ओनियन सीड, ब्लैक सीड ऑयल और लेमन ऑयल यहाँ पर दिया हुआ है, और विटामिन ई के साथ ये सारा इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला हुआ है, मगर ये फॉल्स इंग्रेडिएंट्स है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर ये फॉल्स नहीं होता तो ज़रूर बेनिफिट हमको देता, और लगाने के बाद में हेयर फॉल नहीं होता है। जब हमने हेड मसाज कर रहे हैं, इस ऑयल को लगाकर हेड जब मसाज कर रहे हैं तो हेयर फॉल नहीं होता, इस तरह का मुझे लगता है। मगर आप लोग एक बार देख ले इसे कि ये जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि 499 यहाँ पर एमआरपी दिया हुआ है कंपनी और 125 में मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा। सो थैंक यू। यदि कोई भी चीज़ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। इसकी पिछले बार मैं इसके बारे में वीडियो बनाया था, इसके बारे में मैंने कुछ अच्छा चीज़ बताया था, और इसे जब हमने यूज़ किया तब पता लगा कि ये अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि फिर से एक वीडियो बनाकर डाल दूँ लोगों को पता के लिए कि ये ऑयल किस तरह का है। सो थैंक यू, बाय बाय।